Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing really well. Okay, so today's video is all about Amazon haul, जिसमें कि आज आपको बहुत ही ज़्यादा beautiful dresses देखने को मिलेंगी. See, इनमें ना काफ़ी varieties हैं आज की जो dresses हैं हमारे पास. कुछ इसमें से ऐसे boho dress type हैं. See, if you are planning to go on a vacation और अगर आपका कोई birthday आ रहा है या फिर कोई get together है friends या family के साथ, तो भी ये जो dress हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली हैं. सो मेक श्योर कि आप ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखें, कुछ भी इनमें से मिस आउट ना करें. जो भी इनका क्वालिटी होगा, इनका रिव्यू होगा और प्राइस होगा, वो मैं स्क्रीन में देती रहूंगी. तो मेक श्योर कि आप बिल्कुल भी स्किप ना करें वीडियो को. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी फर्स्ट आउटफिट जो कि मेरा काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है. सी, ये जितने भी आज 5 to 6 आर्टिकल्स हैं, इसमें सबसे ज़्यादा फेवरेट जो है मेरा, तो फर्स्टली मैं आपको आज वो शो करूंगी. ओके, सो दिस इज दिस ब्यूटिफुल बोहो ड्रेस. ओके, तो मैं जो हॉल वीडियो होगा वो मैं साइड में स्क्रीन में देती रहूंगी, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से पता चल जाए कि ये ड्रेस कैसा लगेगा आप पे वेयर करके. सी, ये ना बिल्कुल एक टिपिकल बीच ड्रेस है, काफ़ी ब्यूट. सी, वैसे तो ना मतलब जैसे ये सारे की जो आउटफिट हैं आज, वो मैंने अमेजोन से परचेज किए थे, तो उसमें जो मॉडल पिक्चर्स थी, तो उसमें ना ये चीज़ें ज़्यादा खिलके नहीं आ रही थी. बट जब मैंने इनको ऑर्डर किया और वेयर करके देखा, तो ये काफ़ी ब्यूटिफुल लगा मुझे. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स. ओके, सो जो इसका प्राइस है, दिस इज फॉर ₹799, 799 रुपीज़ का है. ये मैंने साइज एस में ऑर्डर किया था, और जो इसका मटेरियल है इज वेरी सॉफ्ट, और ये विस्कोस मटेरियल है, और इसमें ऐसे ये पॉम पॉम के डिज़ाइंस की डिटेलिंग जो है वो पूरे इसमें ऑल ओवर द आउटफिट दी हुई है. और इसका फ्लेयर भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लंबा है, आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा कि कितना ब्यूटिफुल है ये ड्रेस. और इसमें आपको ये ऐसी कुछ स्ट्रिप्स मिल जाएंगी, और यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए भी मिलेगा आपको स्ट्रिप. इसकी क्वालिटी तो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है. सी, इट्स वर्थ एवरी पेनी. 799 जो है इसका प्राइस, तो बिल्कुल परफेक्ट है अकॉर्डिंग टू मी, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ दिस आउटफिट. तो कुछ इस टाइप का है ये आउटफिट. यहाँ पे जो आपका चेस्ट एरिया है, सी मैंने ये साइज एस में मंगवाया था, और जो इसका जो चेस्ट एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचेबल है. दैट अराउंड साइज एम और साइज एल जिनका है, उनको भी ये इजीली आ जाएगा. हाँ, बट आपको थोड़ा सा इनका ध्यान रखना पड़ेगा. नहीं, आई थिंक सो, ये भी आ ही जाएंगे स्ट्रिप से, जो स्ट्रैप्स हैं यहाँ पे वो भी इजीली आ जाएगा. तो अगर आपके साइज अवेलेबल ना हो एम या एल, तो आप एस में भी जा सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो इसका मटेरियल है वो अच्छा है. पेट मतलब ये आपका वेस्ट और यहाँ से भी है, पेरिया से भी काफ़ी खुला हुआ है, तो साइज़ का इशू नहीं होगा इसमें. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स. मैं आपको पास से भी प्रिंट थोड़ा इसमें दिखाती हूँ. ऐसा ना कलरफुल, ऐसा जंगल थीम काइंड ऑफ इसमें है, ऐसे लीव्स और ऐसे कलरफुल फ्लावर, और काफ़ी ना एक ब्यूटीफुल अच्छा लुक देता है. मैंने यहाँ पे इसको ऐसे पर्ल चोकर के साथ कैरी किया था, तो ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था. अगर आपको भी ये ड्रेस मुझ पर पसंद आए, तो डोंट फॉरगेट टू बाय इट, बिकॉज सच में ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा है. और अगर रेटिंग्स की बात करूँ, तो आई एम श्योरली गोना गिव इट 10 on 10, क्योंकि ये डिजर्व करती है ड्रेस, काफ़ी ब्यूटीफुल ड्रेस है. ओके, तो मैंने आपको इसका प्राइस बता दिया, 799. ये मैंने साइज एस में परचेज किया था, अगर विच इज़ फॉर बस साइज 36. अगर आपका भी सेम साइज है जस्ट लाइक मी, तो आप साइज एस में जा सकते हैं. और जो इसका मटेरियल है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, और समर फ्रेंडली भी है, और ना ऐसे काफ़ी हैवी आउटफिट नहीं है. जैसे ये मैक्सी ड्रेस है, तो काफ़ी हैवी आउटफिट नहीं है, काफ़ी लाइट वेट है इसके फैब्रिक की वजह से. तो चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट परचेज, विच इज दिस प्रिटी आर्टिकल. ओके, तो सी वैसे तो आज की सारी ड्रेसेस ही मोस्टली मेरी फेवरेट है, बट दिस इज द सेकेंड मोस्ट फेवरेट ऑफ माइन. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. इसमें इस टाइप का ये ना वी नेक काइंड ऑफ ही आ जाएगा इसमें, ये कुछ इस तरीके से है. इसकी मॉडल पिक्चर भी जब मैंने देखी, तो मतलब ठीक ठीक थी, फाइन. बट जब वेयर करा मैंने इसको, तो इतना एलिगेंट जो इसका लुक आया ना, दैट आई कांट डिस्क्राइब यू इन वर्ड. बहुत ही प्यारा सा लुक आया इसका. ये इसका आगे का नेक है, और ये यहाँ पे इसका ऐसे लाइक स्क्वायर, यू कैन से स्क्वायर नेक, ये स्क्वायर नेक आ जाएगा. यहाँ पे आपको इसमें ये जिप डिटेलिंग मिलेगी, जिप आएगी यहाँ तक आपकी पूरी. लेट मी शो यू, यहाँ तक आपकी जिप आएगी. इसमें भी आपको स्ट्रैप्स मिल जाएंगे, एडजस्टेबल स्ट्रैप्स हैं एडजस्ट करने के लिए. हाँ, बट इसका जो थोड़ा सा गला है वो थोड़ा सा डीप है, तो आप चाहें तो यहाँ पे जो
बॉडी टेप्स आती हैं आप उससे इसको ऐसे अटैच कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास बॉडी टेप नहीं है तो आप इसको हल्का सा सेफ्टी पिन से भी अटैच कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल आप पे अच्छा सा लुक देगा। यू कैन सी हियर हाउ ब्यूटिफुल इट लुक्स। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ इट इज़। इसमें भी इसका जो ये घेरा है नीचे का वो काफ़ी अच्छा है, और हाँ जो स्लिट है ना वो ऐसा है कि आप उसको मतलब ऐसे दिखा भी सकते हैं, स्लिट कर भी सकते हैं, और अगर आप स्लिट नहीं भी चाहते हैं तो भी वो ऐसे कवर हो जाता है इससे। तो मतलब ऐसा कुछ है कि ऐसे पर्टिकुलर स्लिट नहीं दिखेगा, इफ़ यू वॉन्ट टू शो तो आप दिखा सकते हैं। कुछ इस तरीके से इसका घेरा आएगा, विच इज़ रियली वेरी प्रिटी, और काफ़ी ना एक ब्यूटिफुल सा लुक देता है। मतलब सी बीच में तो आप पहने, हाँ वैसे तो ये बीच ड्रेस भी है, बहुत ही प्यारी ड्रेस है, और अगर आपको जैसे बर्थडे वगैरह में भी अगर आपको उसको वेयर करना है ना तो भी ये काफ़ी ब्यूटीफुल लुक देगा। तो ये जो ड्रेस है मुझे ये कुछ ऐसे ना इसमें ब्लैक हल्का सा ग्रेइश और वाइट का टच है, तो ये जो ड्रेस है वो मुझे 899 रुपीज़ में पड़ा था। ये मैंने साइज़ ऑर्डर किया था एम साइज़, और जो इसका मटेरियल है वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, पॉलिएस्टर मटेरियल है इसका। यस पॉलिएस्टर मटेरियल में आएगा ये आपका। यस रेटिंग्स की बात करें तो सी वैसे प्राइसिंग के उससे मे बी थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, बट इट्स ओके, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ज़रूर इस चीज़ को बाय कीजिएगा। रेटिंग्स की बात करते हैं तो आई एम गोना गिव इट 10/10। काफ़ी ब्यूटीफुल लुक क्योंकि इसका बन के आया था, तो उस वजह से मैं इस ड्रेस को 10/10 दूंगी। ओके सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आउटफिट, विच इज़ दिस प्रिटी पर्पल ड्रेस। ओके सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। इसमें ना दोनों जो फ्रंट एरिया और बैक एरिया है दोनों में ही वीनेक दिया हुआ है। आगे का जो वीनेक है वो थोड़ा सा छोटा है, विच इज़ परफेक्ट, मतलब छोटा इन द सेंस कि पीछे के मुकाबले छोटा है, लेकिन अगर आप ऐसे वेयर करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट है, क्लिवेज नहीं दिखेगा, बिल्कुल अच्छे से आएगा। और इसमें ना ऐसे ये फ्लोरल प्रिंट बने हुए हैं, इसमें रॉयल ब्लू और पिंकिश और ऐसे ब्लू की सारे ब्लू कलर्स की फैमिली के सारे शेड्स दिए हुए हैं, और काफ़ी ब्यूटिफुल लुक आता है इसको वेयर करके। यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। और इसका जो ना ये फैब्रिक है इट्स पॉलिएस्टर, यस पॉलिएस्टर है इसका फैब्रिक। ये आपका आगे का नेक एरिया हो गया, दिस इज द बैक नेक एरिया, यस इतना है, विच इज सूटेबल, काफ़ी ज़्यादा बैकलेस भी नहीं है, अच्छा खासा है। ओके मटेरियल इज पॉलिएस्टर एंड द प्राइस ऑफ दिस ब्यूटिफुल आर्टिकल इज जस्ट ₹664। और इसमें मैंने साइज ऑर्डर किया था साइज एम, जो कि बिल्कुल मुझे ऐसा बॉडी हगिंग टाइप ऑफ आउटफिट होता है ना, तो ये वही है, बहुत अच्छे से मेरे बॉडी पे ये बैठा है, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था वेयर करके, और इसका जो फ्लेयर है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है। जस्ट लुक एट दिस, इस टाइप का है इसमें फ्लेयर, और अंदर से भी यहाँ पे आपको ये ऐसे इनर दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये आपको यहाँ पे ऐसा शाइनिंग मटेरियल मिल जाएगा अंदर से, और एज सच ऐसे गर्मी भी नहीं लगती है, सही है ये मटेरियल बिल्कुल। और यहाँ पे आपको ना इसके वेस्ट एरिया में थोड़ा सा ये ऐसे ये कपड़ा अटैच किया हुआ है, सो दैट यू कैन टाई इट, मतलब अपने वेस्ट में आप इसको टाई कर सकें, और अच्छा सा एक लाइक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक एक बाहर आए, मतलब एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक लगे। ओके और हाँ मैं एक चीज़ आपको और बता रही थी कि आपको साइड में यहाँ पे इसके ऐसे चेन भी मिल जाएगी, वेट लेट मी चेक, हाँ ऐसे लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे चेन भी मिल जाएगी, तो इसको आप इजीली वेयर कर सकते हैं, और ऐसे उतारने वगैरह में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, और चेन की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। लाइक ऑल ओवर द आउटफिट इज़ रियली नाइस अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस। प्राइस इसका था 664, और मैंने इसको एम साइज़ में ऑर्डर किया था। इफ़ यू आर ऑफ सेम साइज़ लाइक मी तो आप भी साइज़ एम में ही जाइएगा, साइज एस मत लीजिएगा, एम इसका बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। तो चलिए नेक्स्ट आउटफिट की तरफ चलते हैं, विच इज़ द फोर्थ आउटफिट ऑफ दिस हॉल। ये आउटफिट कुछ इस तरीके से है, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सा फ्लोरल आउटफिट, यू कैन सी। तो ये जो आउटफिट है ये मुझे पड़ा था 749 रुपीज़ में, और इसका भी मैंने साइज़ एम ऑर्डर किया था, बट इसका जो साइज़ है ना, आप लोग अगर आपका सेम साइज़ है मेरे जैसा तो आप इसमें साइज़ एस ऑर्डर करना, क्योंकि ये एम साइज़ था तो ये मुझे काफ़ी ढीला आ रहा था। इसका जो मटेरियल है, क्योंकि ना मटेरियल में भी काफ़ी फ़र्क होता है, तो ये क्रेप मटेरियल है, और मैंने इसमें एम साइज़ ऑर्डर किया था तो ये काफ़ी ढीला था मुझ पर, तो एस विल बी द परफेक्ट साइज़ फॉर मी अगर मैं इसको लेना चाहूँ तो आप भी इसका एस साइज़ ही लीजिएगा। तो इस तरीके के कुछ इसके ये आपको स्लीव्स मिलेंगे,
ऐसे हल्का सा फ्रिली वर्क आएगा, हल्का सा है, ज़्यादा भी कुछ नहीं है, इस टाइप का आएगा। और आगे से भी इसका ऐसे रेक्टेंगुलर काइंड ऑफ अ नेक है, और पीछे से भी इसका सेम नेक है, ज़्यादा बैकलेस नहीं है, थोड़ा सा ही है। और यहाँ पे आपको ये ऐसे डोरी मिल जाएंगी वेस्ट में बांधने के लिए, ताकि अच्छे से एक परफेक्ट फिट बैठे। और इसमें भी जो इसका घेरा है वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जस्ट लुक एट दिस। ऑल ओवर इसमें बहुत ही कलरफुल ये ऐसे फ्लोरल प्रिंट दिया हुआ है, और काफ़ी ऐसे ना 3D लुक देता है। तो इस ड्रेस को भी मैं सी अगर साइज़ का इशू सी हाँ साइज़ का इशू तो चलो छोड़ो, यू कैन ऑर्डर साइज एस। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे इसका प्राइस मैंने बोला 749, तो उसके अकॉर्डिंग इसको मैं दूंगी 10/10, क्योंकि काफ़ी ब्यूटीफुल ड्रेस है ये भी। इसमें भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वालिटी इशू नहीं है, काफ़ी ब्यूटीफुल प्राइस मतलब काफ़ी ब्यूटीफुल पीस है प्राइस के अकॉर्डिंग। और इसका मटेरियल जो है वो है क्रेप, ये भी काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो ऑल ओवर द ड्रेस इज़ रियली प्रिटी, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन एज वेल। ओके, तो आज की अब हम चलते हैं लास्ट ड्रेस पे, विच इज दिस नियॉन ड्रेस। वेट, लेट मी शो यू। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। दिस इज हाउ दिस नियॉन ड्रेस लुक्स। सी वैसे तो ना ये काफ़ी ब्यूटीफुल सा पीस है, मतलब हटके है तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल पीस है। बट एक चीज़ मुझे इसमें थोड़ा सा नहीं लगी ठीक, विच इज़ कि ये ना थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है। हाँ, अगर अगर हम ट्रांसपेरेंसी को छोड़ के बात करें तो काफ़ी ब्यूटीफुल ड्रेस है, काफ़ी प्यारा सा लुक आता है इसमें। अगर आप इसको नॉर्मल हील या फिर नॉर्मल सैंडल्स के साथ भी वेयर करेंगे, नॉर्मल फुटवेयर के साथ भी वेयर करेंगे, तो भी काफ़ी अच्छा लुक आता है इसमें। ये ऐसे ना ये बटन्स दिए हुए हैं, दिस इज़ द डिटेलिंग इस टाइप के। यहाँ पे ये कॉलर के साथ आएगा, इसमें जो फ्रंट नेक एरिया है यहाँ पे ये कॉलर आएगा, और ऑल ओवर द नीचे तक पूरे ये बटन्स लगे हुए हैं। यहाँ पे 2/4 स्लीव्स आएंगी यहाँ तक की, विच यू कैन सी हियर। हाँ, बट इसमें ये चीज़ है कि ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है। अगर आप इसके अंदर से लॉन्ग इनर वेयर कर सके, शॉर्ट नहीं लॉन्ग इनर वेयर कर सके, तब तो ये ड्रेस बहुत ही प्यारा लगने वाला है। क्योंकि ये ड्रेस मुझे पड़ा था 499 रुपीज़ का, और जो इसका फैब्रिक है दैट इज़ ऑल्सो क्रेप, क्रेप फैब्रिक में है, और ये मैंने साइज़ एम में ऑर्डर किया था, तो ये बिल्कुल फिट बैठ रहा था। बट हाँ, अगर आप इसके साथ लॉन्ग इनर वेयर करेंगे तो तभी आप इस चीज़ को परचेज़ कीजिएगा, अदरवाइज़ ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट दिखता है। सो ऑल ओवर अगर मटेरियल और इन सब की बात करें तो मैं इस ड्रेस को दूंगी 8/10। यस, 8/10 इज़ फाइन फॉर दिस ड्रेस। तो और ज़्यादा कुछ है नहीं इस ड्रेस में दिखाने के लिए। हाँ, यहाँ पे भी आपको यस ये मिलेगा कपड़ा थोड़ा सा वेस्ट में, इसको भी आप अच्छे से टक कर सकते हैं नॉट बना के, जैसे भी आप चाहें, आगे पे, साइड पे, या फिर बैक एरिया पे, पीछे पे। तो इस टाइप की थी आज की ये कुछ ड्रेसेस, विच यू कैन वेयर फॉर एनी डे आउटिंग और गेट टुगेदर पार्टीज, और बर्थडे में भी आप अपने इनको वेयर कर सकते हैं। और जो मैंने आपको ये फ्लोरल और बोहो ड्रेस दिखाई, तो उनको तो आप अपने जो भी आप वेकेशन के लिए ड्रेसेस प्रिपेयर करेंगे उनके साथ ज़रूर एड ऑन कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेसेस हैं। और सी, जो आज की जो ड्रेसेस थी वो सारी 499 to 899 के अंदर ही थी, तो आई थिंक इट्स क्वाइट अफोर्डेबल अकॉर्डिंग टू द फैशन, और जो इनका लाइक क्वालिटी भी है, मटेरियल भी है, तो उसके अकॉर्डिंग तो प्राइस जो थे वो बिल्कुल सही है इन सब के। आज का जो ये वीडियो है, अगर आपको पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और इन सब में से आपको सबसे ज़्यादा अच्छा आउटफिट कौन सा लगा मुझ पे, वो भी प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। और आप लोग इनमें से क्या क्या बाय करने वाले हैं वो भी आप लोग प्लीज़ ज़रूर से बताना। और अगर आपका कोई रिकमेंडेशन है मेरे लिए कि मैं आपके लिए और कैसे वीडियोज़ लेके आऊँ, तो कॉमेंट सेक्शंस आर ओपन फॉर यू गाइज, आपकी एडवाइस के लिए हमेशा ओपन है, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ये सब चीज़ें। रेस्ट, बाय बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।